हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हम आए हैं 26 सितंबर सुबह के 8 बजे दुर्गा मंदिर जो कि वाराणसी में है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर आज नवरात्र का पहला दिन है, इसकी वजह से सभी लोग यहां दर्शन करने के लिए आए हैं और लाइन भी लगा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह लाइन लगी हुई है। आइए दोस्तों आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। देखते हैं दोस्तों कि ये काफ़ी लंबी लाइन है, यहाँ से लगी हुई है, लास्ट है। और ये देख सकते हैं कि ये घूम कर लाइन ये दुर्गा मंदिर की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। अरे यार कहूँगा का, देख सकते हैं दोस्तों आज नवरात्र का पहला दिन है और लंबी लाइन लगी हुई है। दोस्तों काफ़ी यहाँ दुर्गा मंदिर पर वाराणसी में जो है दुर्गा मंदिर हम लोग आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये लंबी लाइन लगी हुई है, कम से कम 300-400 लोगों की भीड़ है आज नवरात्र का पहला दिन होने के कारण, क्योंकि देवी माँ के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों सिंगल लाइन है, आगे डबल लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये सब दुकानें वगैरह चुनरी पूजा पाठ की सामग्री जो है सभी कुछ यहाँ पे बेची जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ दुकानें भी खुली हुई हैं। देख सकते हैं ये सुबह का 8 बजे का नज़ारा है दोस्तों आप लोगों के लिए। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सजावट की चीज़ें भी बेची जा रही, चुनरी वगैरह सभी कुछ हैं, फल फूल नारियल वगैरह भी बेचे जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगाई गई है जो कि आज भक्ति के में सभी लोग दुर्गा माँ के आए हुए हैं और वहाँ पे पूजा करने के लिए। देख सकते हैं कि ये काफ़ी, और दोस्तों ये चौराहे को बैरिकेड किया गया है ताकि दुर्गा मंदिर जो चौराहा है बैरिकेड किया गया है दोस्तों, ताकि यहाँ पे बाइक और कोई भी गाड़ियाँ ना आ सके, सिर्फ पैदल लोग श्रद्धालु लोग आ जा सके। देख सकते हैं दोस्तों कि ये काफ़ी लोग यहाँ लाइन लगाए हुए हैं, बैरिकेड पर बनाया गया है जो कि बांस बल्ली गाड़ के, ताकि कोई इधर उधर से ना घुस सके और सभी लोग अपने लाइन से जा सकें, क्योंकि दोस्तों सबके समय कीमती होने के होता है। इसीलिए यहाँ के प्रशासन और नगर निगम के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। अब देख सकते हैं दोस्तों लाइन लगी हुई है, सभी लोग अपने अपने घरों से आकर सुबह से ही लाइन लगाए हुए हैं। और आप इधर दिखा सकते हैं दुर्गा मंदिर के सामने दोस्तों, ये सब देख सकते हैं पूजा पाठ की सामग्री सभी लोग बेच रहे हैं और लोग खरीदने वाले हैं। ये माला फूल वगैरह बेचा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं दोस्तों नारियल वगैरह सभी कुछ है। ये दोस्तों हम आपको दुर्गा मंदिर दिखाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ ये दुर्गा मंदिर का गेट है जो कि यहीं पर सभी लोग लाइन लगाए हुए हैं, इसमें इसी तरह से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये दुर्गा माता मंदिर प्रवेश मुख्य द्वार, देख सकते हैं यहाँ अंदर सभी लोग अंदर गए हुए हैं जो कि लाइन से ही जा रहे हैं दोस्तों, किसी तरह की और किसी कारण से नहीं जा सकते हैं, किसी भी तरह से जाने का रास्ता नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइन लगाई गई है, देख सकते हैं कि राइट साइड से आ रही है लाइन और लेफ्ट साइड से है। आइए दोस्तों लेफ्ट साइड वाली लाइन आपको दिखाते हैं, ये लाइन भी काफ़ी लंबी लगाई गई है। देख सकते हैं दोस्तों ये लेफ्ट साइड वाली लाइन है जो कि काफ़ी दूर तक है, जो ये पोखरा है जो कि बोला जाता है दुर्गा कुंड पोखरा। दोस्तों ये पोखरे के लास्ट तक लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए आपको दुर्गा मंदिर दिखाते हैं, लाइन तो काफ़ी दूर तक हो चुका है। और इधर देख सकते हैं कि ये दुर्गा मंदिर है दोस्तों, जो कि बिल्कुल लाल कलर से रंगा गया है। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, अगर बनारस के निवासी होंगे तो दुर्गा मंदिर कितना सुंदर दिखता है। आए दोस्तों सामने से दिखाते हैं आपको दुर्गा माता मंदिर। दोस्तों ये भीड़ आज नवरात्र का पहला दिन होने के कारण ऐसा होता है, ऐसे तो नॉर्मली दिनों में भी भीड़ काफ़ी लगता है, लेकिन आज नवरात्र का पहला दिन है, इसके कारण थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक द्वार यहाँ पर है जो कि यहाँ से इस द्वार से दुर्गा माता का मंदिर सामने दिखाई देता है, यहाँ से लोग इंटर कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये दुर्गा मंदिर है, आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों।
ये दुर्गा माता का मंदिर जो कि आगे से हम आपको दिखा रहे हैं, कोशिश करते हैं पीछे से भी दिखाने के लिए। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, जो लोग व्रत हैं उनके लिए खाने पीने की सामग्री जो कि बेची जा रही है। और दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं अंदर। दोस्तों जो साइड का द्वार है वहाँ से हम एंट्री किए हैं और ये देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति रखी है क्योंकि सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ अंदर में मेन जगह पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लाइन लगा कर जाना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और देख सकते हैं ये मंदिर है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पूजा पाठ का सामग्री बेची जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों एक द्वार है जो कि यहाँ से एंट्री द्वार है, अरे गेट द्वार है जो कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं और इधर पूजा पाठ की सारी सामग्री चुनरी नारियल फल माला फूल वगैरह सब कुछ बेचे जा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं कुछ ये पहनने के लिए माला वगैरह बिंदी वगैरह सभी कुछ बेचे जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और जो कि यहाँ सभी लोग दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं। और दोस्तों एक द्वार ये है जो कि हम इसमें से नहीं आकर दूसरे द्वार से आए हैं। दोस्तों मेन द्वार से एंट्री नहीं है क्योंकि वहां से एंट्री करने के लिए डायरेक्ट दर्शन करने के लिए जाएंगे। और देख सकते हैं कि यहां पे सभी लोग अपना माला फूल बेच रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो मैदान है पहले यहां पे मेला लगाया जाता था जो कि दुर्गा मेला लगता था दुर्गा जी में, ये यहीं पर लगाया जाता था। बड़े बड़े झूले वगैरह जो लगाए जाते थे यहीं पर लगाए जाते थे। देख सकते हैं दोस्तों ये दुर्गा माता मंदिर काफ़ी दोस्तों चारों तरफ से रेड रेड दिखता है जो कि इसे कलर किया गया है और अद्भुत दिखाई देता है। दोस्तों मैं आपको कैमरे में इसकी सुंदरता अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आप कभी यहां पर आइए बनारस में दुर्गा कुंड तो आप यहां पर ज़रूर आइए एक बार दर्शन करने के लिए। काफ़ी अच्छी प्लेस है दोस्तों। और दोस्तों ये प्लेस शांति भरी है। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा अभी नवरात्र शुरू हो गया है तो झालर वगैरह बत्ती जो कि लगाए गए हैं आप देख सकते हैं, एक झालर बत्ती लगाए गए हैं जो कि रात में दोस्तों कुछ अलग ही नज़ारा होगा। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।